वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। DSR चैनल दे तुहाडा स्वागत है। ते अज तुहानू जिहड़े शख्सियत ते गुणीजाना मिलाउण जा रहे हां ते ओह एक दुनिया दा अनोखा ऐसा कम कर रहे ने जिथे आप गुरु धामां दे दर्शन कर रहे ने उत्थे पूरी दुनिया नूं गुरु साहिब दे नाल गुर इतिहास नाल जोड़ रहे ने। मैं स्वागत करदा सरदार अमरजीत सिंह चावला दा। टर्बन ट्रैवलर नाल लोग जाणदे ने, तुसीं आप जी नूं TV ते देखिया होएगा, यूट्यूब चैनलों ते देखिया होएगा सर नूं। ते आओ मैं तुहाडा स्वागत करदा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ते सर जी मैं तुहाडे नाल गल करां कि जिहड़ा इह अनोखा विचार कमिशन लैके तुरे होए ते इह तुहाडे माइंड विच किस तरह आया कि इस तरह का काम किया जाए कि गुर इतिहास दे नाल पूरी दुनिया नूं जोड़िया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जी, कुछ चीज़ां जिंदगी विच इस तरह होंदिया ने जिहड़ियां तुसी प्लान नहीं करदे, वह तुरों लिखिया होंदिया ने। मैं भी कदी जिंदगी च इह सोचिया नहीं सीगा कि मैं गुरु साहब दे इन्ने सारे स्थानां दे आप जाके दर्शन करांगा। जे मैं दर्शन करांगा तो उस वजह नाल होर संगतां भी दर्शन कर सकणगियां, जिदा कि बड़ा ही मन नूं संतोष मिलदा है हुण इह जाण के कि इहदे नाल काफ़ी लोगों नूं लाभ पहुँच रहा है। जिहड़े लोग दर्शन नहीं कर सकते या सेहत वल्लों या जिन्हों को टाइम नहीं है, कई लोग बेचारे जिन्हों को पैसे भी पूरे सूरे ने दूर दूर स्थानों पर नहीं पहुंच सकते, तो उस सारे बंदे जिहड़े ने ऐसे स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, गुरु धामां के दर्शन कर रहे हैं। मैं यह काम करने का कभी जिंदगी सोचा भी नहीं सीगा, पर कहते ना जिस वक्त तुहाडे गुरु साहब ने जो तुहाडे मुकद्दरे लिखा हुंदा हैगा उही हुंदा हैगा। तो मैं दिल्ली तो इंग्लैंड गया सीगा अपनी गड्डी दे द्वारा जी। जब मैं वापस आया तो मैं सारा इंडिया करना सीगा, क्योंकि मैंने किसी ने सवाल पूछा सीगा कि तुसी अपना मुल्क घूमया कि नहीं घूमया, तो मैंने लगता सीगा कि बाहर के मुल्क घूमने तो पहले अपना मुल्क ही देखना चाहिए। यह 2018 का समय सीगा, 2018 खत्म होया सी, 2019 शुरू होया सीगा। तो उस वक्त धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पुरब वो आ रहा सीगा। तो जिस वक्त असी उन्हां दी यात्रा नूं असी स्टडी किया तो मैनू देख के बड़ी हैरानगी हुई कि महाराज ने इंडिया के अंदर उस वक्त 29 स्टेट सीगे, 29 चो 27 स्टेटा च महाराज गए सीगे, उन्होंने पैदल यात्रा की सी। सो वो मैनू एक जिंदगी का एक मकसद मिल गया। मैनू लग्या कि पहला जिहड़ा मेरा ट्रिप सीगा दिल्ली तो लंडन वाला, वो शायद गुरु साहब मेरी ट्रेनिंग लै रहे सीगे कि मुंडा ने गड्डी नहीं लंबी चला सकता कि नहीं चला सकता। तो फिर असी 2019 दे विच मैं ते मेरे मिसिज ने दोनों ने मिल के असी 44,000 किलोमीटर का एक सफर तय किया, जिद अंदर गुरु नानक देव जी की सारी उदासियां सीगिया। पाकिस्तान तो इस बन्ने जिन्हें भी स्टेट सीगे वह सारे ते 6 पड़ोसी मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान असी वो सारा किया। 44,000 किलोमीटर का सफर असी 8 महीने तय किया। जे मैं दसा कि आप जी ने हुण तक कि महाराजियां दे जिहड़े संगतां नूं दर्शन करवा दिते? पहले असी गुरु नानक देव जी की सिखत पूरी की 2018 के अंदर, तो कहते ना गुरु साहब ने कुछ होर लिखा हुआ सी मेरे वास्ते। अगला साल मैं कुछ किस्मत सीगा कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश पुरब आ रहा सीगा। तो फिर सानू 400 साल प्रकाश पुरब उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के भी सारे स्थान करने का मौका मिलिया, तो असी वो किते। जब दो गुरु साहबां का स्थान असी पूरे कर लै तो फिर मन च एक भावना आई कि दसवां गुरुआं का करना चाहिए। ਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਪਿਆਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ? ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਿਰਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ
उस तो बाद थोड़ा वक्फा पा के फिर बाकी जेडे सतगुरु साहब ने उन्हां दी यात्रा भी पूरी करांगे। बाकी सत्तां गुरुआं दी यात्रा विचों सिर्फ थोड़ी जां गुरु हरगोबिंद साहब जी दी यात्रा थोड़ी लम्मी हैगी, बाकी सारी पंजाब दे अंदर ही हैगी। उहदे च इतना समय शायद ना लगे, असीं उहदे ते सारी रिसर्च ते स्टडी करने पए कि हर गुरु दे कहिड़े कहिड़े स्थानां ते उह गए ने उन्हां दे जीवन विच, क्योंकि गुरु साहब जिथे भी गए ने उत्थे जो भी घटना उत्थे वापरी हैगी उस वक्त वैसे तो गल की जाती है जो कोई चंगे कार्ज की तुरदा है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर फिर भी जो ये सोचा होगा कि मैं मुश्किल भी नहीं कह सकता पर फिर भी कोई त्रुटियां विघन रह जाते हैं साडे कार्जां दे विच, फिर भी गुरु साहब ने कितना हाथ दे के रखा, कितनी को गुरु ने मदद की थी साथ। मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आके चली जाए तो उन्हें फिर मैं प्रॉब्लम नहीं गिनता। बाकी यह गुरु साहब की यात्रा है ए असी कोई किंतु परंतु कर ही नहीं सकते, तो मैनु नहीं याद कि गुरु साहब की यात्रा करते वक्त मैनु किसी भी किस्म की कोई परेशानी या कठिनाई या तकलीफ आई हो। असी अपने प्यो दे घर रात ठहरने हैगे आ, मतलब गुरुद्वारा साहब दे जिहड़ी सराह है ओही साडा घर हुंदी है यात्रा दे दौरान, ते उत्थे ही लंगर प्रशादा जिहड़ा ओही छकदे हैगे आ। जिथे कोई स्थान नहीं हुंदा उत्थे संगतां अपने घर लै जांदियां ने, ते कदी भी कोई ऐसा दुख तकलीफ या परेशानी नहीं आई मैनूं हले तक। मैं बेनती करदा कि जिहड़ियां संगतां दर्शन कर सकदियां साडे चैनल दे राहीं, अज उहनां संगतां नूं तुसीं इक मैसेज दिओ कि गुरु धामां दे जरूर दर्शन करो। मेरी सारिया संगतां नूं बेनती हैगी कि सब तो पहले ते अपने इतिहास नूं समझिए, क्योंकि इतिहास समझना बहुत जरूरी है। ते खास तौर ते जे असी अपने बच्चियां नूं इस लड़ लाना है ते सानू आप नूं भी इतिहास की समझ पूरी होनी चाहिए है। जिहदे विच मैं भी शामिल हैगा, मैं भी मूर्ख सीगा, मैनूं भी पूरा इतिहास नहीं पता सीगा। ते गुरु साहब ने सोझी पाई उन्हां दी यात्रा दे दौरान बहुत सारे स्थानां ते जाके मैनूं आप इतिहास समझ आया ते मैं दूजां नूं भी समझा सकिया। इस करके सब तो पहले जरूरी है कि असी आप पहले इतिहास नूं समझिए। ते नाल साडा मकसद की हैगा, मकसद हैगा कि आने वाली पनीरी नूं उन्हां नूं साडे इतिहास की सोझी पवे, उस कुछ सिक्खी नाल जुड़न ते नाल जिहड़ा हैगा अपने इतिहास नूं समझण ते सिक्खी का पालन करन, जो आदर्श सानूं गुरु साहब दे गए ने उन्हां दा पालन करन, दस्तार सजावन, केस पूरे रखण। सो मेरा मकसद ही इस पूरी यात्रा का हैगा कि दस्तार ते सिक्खी का प्रचार ते गुरु धामां दे दर्शन, ए तीन चीजा मैं कर रहा। पूरी दुनिया मैं घूम रहा है, 87 मुल्क मैं कर चुके हैं, 110 मुल्क मैं होर करने ने। उन्हां स्थानां ते जिथे गुरुद्वारा साहब नहीं भी हैगे उत्थे भी सिक्खी का दस्तार का प्रचार, ताकि लोगों नूं पता लगन कि सिख कौन सीगे, सिखां दे गुरु कौन सीगे। ते यह मेरा एम हैगा, ते आप लोग भी जिहड़े गुरु धामां दे दर्शन करदे हैगे हो ते उत्थे जाओ जरूर। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान ने जिस वक्त मैं अनुभव करना कि जिहड़े इतिहासिक स्थानां दे अंदर तुसीं गुरुद्वारा साहब दे अंदर जांदे हैगे हो ते एक अजीब जिहा कशिश हुंदी हैगी, एक एनर्जी हुंदी हैगी, उहनां दा तुसीं उहनूं महसूस कर सकदे हैगे हो। उह तुसीं खाली गुरुद्वारा साहब दे वीडियो दे दर्शन करन नाल नहीं तुहानूं महसूस होएगी, उह जिस वक्त तुसीं प्रत्यक्ष जाओगे उत्थे तां तुहानूं पता लगेगा कि उस स्थान की महत्ता किन्नी हैगी ते उस स्थान की एनर्जी किन्नी हैगी। मैं एक छोटी जी होर बेनती कर दिया तुहानूं कि अज दे यूथ लई तुसीं एक आइकोन हो, एक आइडल हो, हांजी ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਡਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਡਰਬਨ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੰਸ਼ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਪ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ,
सिखा की शान उन्हों की दस्तार ही हैगी। अज करोड़ बंदे भी खलोते हो एक सिख दस्तार वाला खलोता हुए ते उदा जड़ा दूरों नजर आंदा है। मैं जिस वक्त विदेशों मैं यात्रा की थी तो मैं अपनी गड्डी द्वारा जिस वक्त मैं खलोता हुंदा सीगा ते दूरों लोग खिंच के आंदे सी कौन बंदा है जिहड़ा सोहनी दस्तार उन्हें रंगीन कपड़े पाए ने दस्तार सजाई हैगी ते गड्डी लैके इत्थे आया है ते उहदे नाल साडी पहचान बनदी हैगी। कदी भी मैनूं किसी ने भी अपनी दस्तार करके ना किसी नीवी नजर नाल वेख्या ना मैनूं कोई डिस्क्रिमिनेशन कीती। लोगों के दिमाग च बहुत बड़ी गलतफहमी है खास तौर पर बच्चों के दिमाग च कि बाहर के मुल्कों के अंदर लोग साढ़े नाल वितकरा करते ने सानू डिस्क्रिमिनेट करते ने। ऐसा कुछ नहीं है बल्कि सिखी की शान है दस्तार ये साडा रुतबा होर वधदा है ना कि घटदा है। इस करके मेरी बेनती है सारे यूथ नाल कि सिखी विच वापस आओ। वापस आने तो पहले अपने इतिहास नूं समझो। दिलों करोगे तद पालन होगा जो दिलों नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो दिलों करने वास्ते इतिहास नूं समझना बहुत जरूरी है। एक बार तुसी इतिहास समझो फिर तुहाडा मन अपने आप गुरु नाल जुड़ेगा। तुसी आप तुहाडा शौक आएगा कि तुसी दस्तार सजाइए असी केस कतल ना करिए। यह सारी मन की भावना हैगी। जब तक तुसी आप इनू अनुभव नहीं करोगे तद तक तुसी इस पासे आओगे नहीं। असी एज ए बुजुर्ग आप वास्ते सारी खाली अरदास कर सकते हैं गुरु साहब नूं बेनती कर सकते हैं कि आप जी सोची पवे। साध संगत जी ये सन सरदार अमरजीत सिंह चावला जिन्हां नूं पूरी दुनिया गुरु साहब की कृपा दे नाल हुण दा टर्बन ट्रैवल दे नाम नाल जानदी है। ते मैं अपने चैनल लाई और अपने वालों ये बेनती करांगा कि इन्हां दे चैनल नूं वध तों वध वाच करिए देखिए गुरु धामां दे दर्शन करिए। ते इन्हां लई अरदास भी मैं आप भी करदा और आप सरबत संगत ने भी अरदास करनी कि सतगुरु असीस बख्शन इन्हां नूं लंबी उम्र तंदुरुस्ती बख्शन तां जो ये इसे तरह गुरु साहब के दर्शन करके और सरबत संगतां नूं गुरबाणी दे नाल गुरु इतिहास नाल जोड़दे रहन गुरु धामां दे नाल जोड़दे रहन। अंत विच मैं सरदार अमरजीत सिंह चावला दा जिन्हां नूं दा टर्बन ट्रैवल ना लोग जानते हैं तो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि दसरिया के निमाणे के चैनल से आके सानू मान बख्शे ते आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।